नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर प्रदेश के नागौर जिला मुख्यालय से है, जहां देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में प्रभारी मंत्री यादव ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया व मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने राज्यपाल का जनता के नाम अभिभाषण को पढ़ा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण के पढ़ने के बाद पुलिस के जवानों द्वारा आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। कोरोना पर अभिनय नाटक भी प्रस्तुत किया गया। सेवा के लिए सम्मान भी किया गया। साइकिल रैली से दिया राष्ट्रीय एकता व जागरूकता का संदेश। सरकारी कार्यालयों में हुआ ध्वजारोहण। देश के गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ पर जिला कलेक्ट्रेट सहित सभी सरकारी कार्यालयों में प्रभारी अधिकारियों ने ध्वजारोहण किया। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने अपने आवास पर तथा इसके बाद जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में ध्वजारोहण किया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हीरालाल मीणा सहित जिला स्तरीय अधिकारियों ने अपने अपने कार्यालयों में ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। नागौर से प्रदीप डागा की विशेष रिपोर्ट।